लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं खूनी हूं जज साहब। सरकारी वकील साहब ने जो इल्जाम मुझ पे लगाया वो सच है। मैं खूनी हूं जज साहब, मैं खूनी हूं। इन हाथों से मैंने किसी गुनेगार का खून किया। मैं जानता हूं कि उस गुनेगार का खून करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन कोई गलती नहीं की जज साहब, कोई गलती नहीं की। पैदा होते ही हर बच्चे को माँ की गोद नसीब होती है, मगर मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा था। अरे भाई देर किस बात की, दिवाली है, फटाके लाओ, अनार लाओ, फुलझड़ी लाओ। अभी लाए वाले, अभी। ओ नो 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 नो। बच्चे लोग वहां को खड़े, इधर आओ बेटे, रामन को बुला लो इधर। बच्चों आओ आओ आओ
आ जाओ। अरे बेटे तुम अकेले वहां क्या कर रहे हो, आ जाओ तुम भी। हाँ तुम अनार जलाओ उस तरफ, फूल जोड़ लो बच्चे लोग, लो लो चल जाओ उधर, उधर जाओ अनार की आग से जलाओ। हाँ लो लो, तुम अकेले क्यों उधर आओ, आओ लो जलाओ फूल जोड़ उस तरफ। आप चलाइए ना, चला बेटे चला। रामू देखो देखो बच्चा लेकर भाग रहा है, दौड़ दौड़ो रुको उसे। भाई बोलो, शेरा शेरा ये तू बच्चा कहां से लाया है? कोई बात नहीं, मैं इसे सही जगह पर पहुंचा देता हूं। 8 रुपए बारह ने, 10 रुपए और ये बटुआ। आज मेरी कमाई नहीं हुई उस्ताद। क्यों डर गया? मेरी सूरत से डर गया? भयानक है ना? हाँ? जिस तरह लोग मेरी भयानक सूरत को देखकर डर जाते हैं, उसी तरह मैं दुनिया की हर चीज को बदसूरत बना दूंगा, हर देखने वाले की आंखें फोड़ दूंगा, हर चलने वाले की टांगे तोड़ दूंगा, और दुनिया की हर सूरत को इतनी बदसूरत बना दूंगा कि लोग एक दूसरे से डर कर भागने लगेंगे। लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे बोलो, कहाँ जाएंगे? उन्हें मेरे ही पास आना होगा, बहुत मजा आएगा। सारी दुनिया बदसूरत, सारी दुनिया खौफनाक, सारी दुनिया भयानक। लेके जा रहा है बच्चा, न जाने किसका बच्चा है, सोचा पुलिस स्टेशन में दे दूं। पुलिस स्टेशन में दे दूं? मैंने तेरी आंखें फोड़ दी, मगर इतना एहसान तो किया कि तुझे जान से नहीं मारा, और इतने बड़े एहसान का तू ये बतला चुका रहा है हा? हर साल मुझे गली से एक बच्चा उठाना पड़ता है,
हमेशा पुलिस का डर लगा रहता है, और आज आज ये बच्चा चलकर खुद मेरे पास आया और तू उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा है, हैं? हराशोर, लाइडर, ये वो चाकू है जिस पे मैं ऐसी धार लगाऊंगा कि हजारों सोने की मुर्गे हलाल हो जाएंगी। उसके बाद चांदी ही चांदी, चांदी ही चांदी। मैं हार गया बेटे, मैं हार गया। पुलिस में रिपोर्ट की, जगह जगह ढूंढा, जगह जगह तलाश की, मगर तुम्हारा बेटा मुझे मिल ना सका। मैं अपना फर्ज पूरा ना कर सका। जब टीना बड़ी होकर पूछेगी कि मेरा भाई कहाँ है, तो मैं इसे क्या जवाब दूंगा? कहां से लाऊंगा इसके भाई को? न जाने कहां है वो। राजमहल में आ गया। सो गया है। चोरी करना सबसे अच्छा काम है, चोरी करना सबसे अच्छा काम है, चोरी करना सबसे अच्छा काम है। चोरी करना सबसे अच्छा काम है, चोरी करना सबसे अच्छा काम है, चोरी करना सबसे अच्छा काम है। मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी नहीं करेगा तो भूखा रह जाएगा। भूख लगी है ना तो जा, जाकर चोरी कर, वरना भूखा मर जा। अरे ये क्या भजिया है? और नहीं तो क्या है? सब बासी भजिया है, चला जल्दी। ठीक है ठीक है, देता है, झगड़ा काहे को करता है यार? अरे को मेहरबानी कर रहे हैं क्या? मेहरबानी काहे की, लो खाओ। चल सब ठंडा भजिया है। बदमाश, दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं, चोरी का वक्त क्या है? चल आन चाचा। अल्लाह, बिहारी क्या बात है? अपने इस राजू को संभालो खान चाचा, इतनी सी उम्र में चोरी करना सीख गया है। क्या तुम्हारा मतलब है राजू ने चोरी की? हाँ हाँ, इसे संभालो, अब मैं चलता हूँ। राजू इधर आ। खान चाचा। मैं कहता हूँ इधर आओ, आओ। पता तुमने चोरी क्यों की? बाल चोरी क्यों की? बाल। सर ने मुझे खाना नहीं दिया था, मुझे भूख लगी थी। भूख लगी थी तो भूखा मर गया होता। तूने हम गरीबों की नाक कटवा दी। क्यों की थी चोरी? क्यों की थी? अरे अंधे। उस्ताद, पहली बार इस बिल्ली की औलाद ने अच्छा काम किया, इसे तुम मेडल मिलना चाहिए, मेडल। नहीं उस्ताद नहीं, इतने छोटे बच्चे से ये काम ना करवाओ। कितना प्यारा बच्चा है, इधर देखो। अब तेरी तालीम शुरू होगी, स्कूल में नहीं, मेरे कॉलेज में। सर मैं चोरी नहीं करूंगा। अबे तेरा बाप भी करेगा बिल्ली की औलाद, पंजे का इस्तेमाल कर, चल।
मैं कहता हूँ नीचे आ। ऊपर आ। हाँ? नीचे आना। जानी ही जानी, लेकिन इस पर तो किसी राय बहादुर का नाम लिखा हुआ है, बेचने में मुश्किल होगी। ऐसा कर, तो इसे कल्लू लोहार के पास ले जा और ईंट बनवा ले। जा। ये चूचू कौन कर रहा है? हैं? आज मेरी कोई कमाई नहीं हुई उस्ताद। कमाई नहीं हुई? अल्ले 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 अल्ले। नहीं उस्ताद, मैं हाथ फैलाकर मांगता रहा, पर किसी ने कुछ नहीं दिया। अल्ले अल्ले अल्ले, कुछ भी नहीं दिया? मगर मेरे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। नहीं उस्ताद, इसे मत मारो उस्ताद, इसे मत मारो। देखो कितना मासूम है अपना छोटू। इसकी मासूमियत पे तुझे नहीं, लोगों को रहम आना चाहिए। अगर किसी को इस पर रहम नहीं आता तो इसमें इस बेचारे का क्या कसूर? रहम नहीं आता, आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसा सुंदर बच्चा अगर लूला और लंगड़ा हो जाए तो सबको रहम आ जाएगा। ऐसा करते हैं, इसके हाथ पांव। नहीं नहीं उस्ताद, ऐसा मत करना उस्ताद। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ उस्ताद। ऐसा मत करना उस्ताद, ऐसा मत करना। ठीक है, आज तेरे कहने पर छोड़ देता हूँ, लेकिन याद रहे कल अगर इसने डबल कमाई नहीं की तो। जरूर करेगा उस्ताद, जरूर करेगा। ठीक है। सुनो, ये भी ले जाओ, चांदी है। हाँ। अरे राजू, अरे आजा आजा बच्चा, आपके क्या लाया है? बॉयज, जो हर बार लाता हूँ, ये ले, इसे पिघला कर ईंट बना देना, 7 दिन के बाद आके ले जाऊंगा। ठीक है। अरे राजू, ये तो बता, तू इतना चांदी लाता कहाँ से? बस आसमान में छेद कर देता हूँ, जमीन खोद देता हूँ, निकल आती है चांदी। चांदी की चोरी हो गई मुझे इस बात की परवाह नहीं, लेकिन मिस्टर कुमार, चौकीदार के रहते हुए अगर मेरे घर से चोरी हो सकती है तो आम लोगों के यहाँ, अगर यही हाल रहा तो लोगों का पुलिस से एतबार उठ जाएगा। राय बहादुर साहब, आप फिक्र न कीजिए, हम इस मामले की पूरी तहकीकात करेंगे। राजू, तू आ गया? हाँ, क्या बात है चाचा, आज अंधेरे में बैठे हो? अंधेरा? अंधेरा कहाँ है, रात हो गई है खान चाचा। एक रात और हो गई, पर बेटे इन आंखों के लिए अंधेरा क्या और उजाला क्या, तू अपनी सुना। कुछ मत पूछो चाचा, आज बहुत मेहनत करनी पड़ी। अच्छा मगर छोड़ो, खाना लाया हूँ, खा लो। ले, तू भी तुर्कित मिल। आज फिर मार खा कर आया, कब तक सहता रहेगा? मैं कहता हूँ चला जा इस जुल्मों से, तुम की दुनिया से भाग जा, भाग जा। नहीं चाचा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। मेरी बात क्यों नहीं मानते बेटे, तुझे मेरी कसम। चाचा, तुम मुझे अपने आप से दूर कर देना चाहते हो? नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं, ऐसा न कह, तू तो मेरी नंदी आंखों का नूर है। मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों का ये नूर सारी दुनिया की आंखों का नूर बन जाए। खान चाचा, ये ले, ये रुपए मैंने उस्ताद से छुपा कर रख लिए थे, इन्हें ले और चला जा। नहीं खान चाचा। ले और भाग जा। इसे भड़का रहा था उस्ताद। नहीं उस्ताद, तेरी आंखें तो मैंने बरसों पहले फोड़ दी थी, लेकिन अब इसकी बारी है। नहीं नहीं उस्ताद, नहीं। मेरे बाग के सबसे तेज उड़ने वाले पंछी अगर ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करेगा तो मैं तेरे पर काटूंगा। खान चाचा को मत मारो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है खान चाचा, तुम मुझसे भागने को कह रहे थे ना, चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं, वरना ये उस्ताद। नहीं 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 राजू, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, नहीं जा सकता।
मैं मजबूर हूं। लेकिन क्यों खान चाचा? बरसों पहले की बात है, ईद का दिन था। अरे ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे तुम लोगों की ईद ही ये लो, लो, ये लो, लो। खान भैया, खान भैया, गजब हो गया खान भैया। क्या हुआ सीता बहन? मेरे बच्चे को कोई उठा ले गया खान भैया। या अल्लाह, तू फिक्र न कर, ये जरूर उसी शैतान का काम होगा। ये लो 3 रुपया, 8 रुपया देना। खाली हाथ आया, लेकिन खाली हाथ जाऊंगा नहीं। खान चाचा, तुझे अंधा तो कर दिया मैंने, अब अंधा होने के बावजूद अगर तूने मेरे खिलाफ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या होगा ये भी सुन ले। नहीं, पे जुलम मत कर जालिम, मैं तेरी हर बात मानूंगा। पुलिस को खबर दी या मुझसे भागने की कोशिश की तो इन बच्चों की चीखें तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। हाँ, किस बारे में आपको रिपोर्ट लिखवानी है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं खान चाचा, मासूम बच्चों की चीख होने मेरी जबान पर ताने लगा दिए और आज भी मैं रो मत। एक दिन आएगा जब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सबको दुआएं देते हैं, गलियों
हम रोते नहीं उन नसीबों को, दुनिया में जो सब बदनसीबों को। तुम नहीं जानती। ये लोग लुच्चे लफंगे हैं, हराम की कमाई से शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे। चलो बेटे चले। आज फिर स्कूल की ओर टकटकी लगाए बैठा है? अरे कह दिया ना, एक बार लंबा हाथ लग गया तो तुझे भी इसी स्कूल में भर्ती करा दूंगा। जिस तरह तू यहाँ बैठा है, लगता आज भी तेरी कमाई नहीं हुई। नहीं हुई ना? ये ले रख। नहीं, ये तेरी कमाई है। लेकिन छोटू, अगर आज तूने पैसे नहीं दिए तो उस्ताद मारेगा ना। मारने दे, आखिर तू कब तक मुझे इस तरह बचाता रहेगा? जब तक तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता। चल, मैं स्कूल जाऊंगा। हाँ छोटू, तू स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, फिर पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। वो अपना उस्ताद है ना,
अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लोग तुझे बड़ा साहब कहेंगे, झुक झुक के सलाम करेंगे और मुझे भी। फिर तू पूछेगा क्यों क्यों? अरे भाई, मैं बड़े साहब का बड़ा भाई जो ठहरा, और फिर बड़े साहब का बड़ा भाई होना कोई छोटी चीज थोड़ी ना है। क्यों? बड़ा साहब छोटा साहब। अल्फोट, क्यों श्री पहलवान, डबल कमाई हुई? हाँ, ये लो डबल कमाई। शाबाश जलपुट। उस्ताद, आज मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? तुझे अपना हिस्सा जरूर मिलेगा। जानता हूँ उस्ताद, दे दो मेरा हिस्सा। वेटर, वेटर, आता हूँ साहब। अबे जल्दी आओ जल्दी। ये तो साला खलास हो गया, खलास। ना जाने कहाँ से नए नए बेवड़े आ जाते हैं। क्या बात है साहब? एक विस्की लाओ, विस्की। विस्की नहीं है साहब। ओके ओके। एक छोटा ब्रांड लाओ। ब्रांडी भी नहीं है साहब। तो जिन लेके आ। जिन भी नहीं है साहब। विस्की नहीं? नहीं। ब्रांडी नहीं? नहीं। जिन नहीं? नहीं। तो रम लेके आओ। रम भी नहीं है साहब। तो फिर इस बार के मालिक तो बुलाओ, जल्दी जल्दी, ब्लडी हेल जल्दी। अरे ये तो औरत नको काशी बाए, और ये अपना अड्डा है। काजी भाई जी, हमको विलायती मांगता है। इधर विलायती नहीं है। इतना बड़ा अड्डा और विलायती नहीं, हमको मांगता है। कभी बड़ा बार में गया था क्या? एक बार ताज का बार में गया था। उधर विलायती पिया था? उधर ऐसा ही बैठा था क्या? एकदम ऐसा ही बैठा था। तो वो लोग क्या बोला? वो लोग बोला कि अगर ऐसा बैठना है तो काजी भाई का अड्डा बजा। मत हरामी की तू, हटा दे हटा दे। लेकिन अपन को मांगता विलायती है। इधर विलायती नहीं है। कुठून मेला काजी भाई का अड्डा विलायती मांगे लाला? इधर जीरा है, इधर संतरा है, इधर मौसमी है, और इधर काजू है। सब देसी माल है, यहाँ देसी, समझा? साकिया इस देसी बोतल में जरा भी दम नहीं। मैं पीऊंगा जनाब पीऊंगा, मैं विलायती शराब पीऊंगा, मैं विलायती शराब पीऊंगा, मैं पीऊंगा जनाब पीऊंगा, मैं पीऊंगा जनाब पीऊंगा, मैं विलायती शराब पीऊंगा, मैं विलायती शराब पीऊंगा। नशा वो मजा इसमें क्या पाएगा, वो कहाँ ये कहाँ, ये है रंग वो पतंग, ये है धूल वो है फूल, वो शराब ये खराब। ओ चीज मैं ना खराब पीऊंगा, चीज मैं ना खराब पीऊंगा, मैं विलायती शराब पीऊंगा, मैं विलायती शराब पीऊंगा, मैं पीऊंगा जना पीऊंगा, मैं पीऊंगा जना पीऊंगा, मैं विलायती शराब पीऊंगा।
दिए छोड़ दिन तो बेखबर दिन का डर बस सलाम लिए जा मैं चला वो पिला क्यों विलायती बाबू नशा उतर गया अबे नहीं आज सुबह से 10 किलो बर्फ इसके सर पे पिघले लाए वो तो होगा ही कल रात विलायती के नाम पे कितनी देसी पी गया और वो भी बिना बर्फ के अरे साला चीटिंग किया रात का बर्फ सुबह तो पिघलेगा ही खैर छोड़ तू ये बता कि तू है कौन अरे भाई मैं बहुत गरीब हूँ गरीब होता तो विलायती मांगता क्या तू चुप बैठना काशी भाई सुनने तो दे तो तू कहाँ से आया अरे भाई कोई काम धंधा है नहीं इसी गम में पीने आया था और ज्यादा पी गया अरे दिमाग फिर गया काशी भाई के अड्डे पे आके विलायती मांगता है तू फिर बोली बहुत बोलती है ए, नहीं अरे, अरे बात तो करने दे हाँ तो रहने वहने का कोई ठिकाना है नहीं भाई कोई ठिकाना वेकाना नहीं अपना पाटली में जाके रहे ना बहुत छोटी है अरे चुप न रे बेचारा गरीब है हाँ तो तेरी खोली 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 हाँ अरे काशी भाई तेरी पीछे वाली खोली तो खाली है दे देना बेचारे को रहने के लिए दे देना नहीं ये अलग खोली वोली रह देना हम नहीं देगा मेरी बात नहीं मानेगी देख राजू मैं तेरे को कभी ना नहीं बोली पर ये प्लीज ठीक है दे दी मगर अगली बार काशी भाई और हाँ इसके खाने का भी इंतजाम कर देना देख राजू तेरे बोलने पर मैं इसको खोली देंगी मैं इसको खाने को देंगी मैं इसको पीने को देंगी विलायती नहीं देसी हाँ। इसको बर्फ भी देंगी लेकिन मैं इससे एक एक पैसा लूंगी मैं बोलती तेरे को अरे काशी भाई बेचारा गरीब है इसके पास पैसे नहीं है जब होंगे तब ए मैं कोई दान वान नहीं करता जब नौकरी लगेगी तब एक एक पैसा वसूल कर लूंगा क्या अरे लिख के ले भाई तुम दिल के बड़े अच्छे हो क्या तू भी बड़ी अच्छी है मेरा बहुत अच्छी है अरे दिल विल कुछ नहीं सारा कसूर इस शेरा का है कभी किसी अजनबी के साथ नहीं पीता तेरे साथ पी ली और तुझसे दोस्ती कर ली और इसका दोस्त तो अपना दोस्त चल शेरा आंखें क्यों बंद कर रखी हैं बस बेटी टीना मीना 2 मिनट और ठहर जा ओहो दादाजी वो देख दादाजी मेरे लिए अरे तेरा जन्मदिन तू भूल गई
तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तो ठीक तो है ना बेटी? हाँ दादाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? शुक्र है। शाबाश बेटे, आज तो तुमने इनाम पाने का काम किया है। ये लो, क्या नाम है तुम्हारा? लुच्चा लफंगा है? या शायद कोई और नाम हो आपके पास? और ये इनाम। सलाम साहब। ठहरो, तुम नाराज होकर कहाँ जा रहे हो? हाँ भाई, तुम नाराज होकर कहाँ जा रहे हो? जहाँ काम की इज्जत सिर्फ दाम से ना हो। ए भुथू, मेरे दादाजी बिल्कुल बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल बच्चा हूँ, इसलिए गलती भी कर सकते हैं। हाँ भाई, इसीलिए मुझसे गलती हो गई। चलो दादाजी को माफ करो। हाँ भाई, माफ कर दो भाई। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। आज टीना का जन्मदिन है, शाम को घर में पार्टी है, तुम्हें जरूर आना पड़ेगा, वरना मैं समझूंगा तुमने मुझे माफ नहीं किया। भैया आज मेरा जन्मदिन है और तुम्हारा भी। देखो ना, हर साल की तरह इस साल भी तुम्हारे नाम का केक रखा है। लेकिन भैया 14 साल हो गए तुम नहीं आए। भैया तुम कब आओगे? टीना बेटी, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है एक दिन तुम्हारा भाई जरूर लौट आएगा। लेकिन कब दादाजी? मैं आ गया। राजू, जन्मदिन मुबारक हो टीना। अरे केक, केक तो मुझे बहुत पसंद है। लीजिए राय बहादुर साहब। क्यों, कोई गलती हो गई मुझसे? नहीं बेटे, दरअसल ये केक हर साल इसके भाई के जन्मदिन के लिए बनाया जाता है। भाई? हाँ, 14 साल पहले इसका जोड़वा भाई हमसे बिछड़ गया, तब से उसकी राह देख रही है। ये देखो, 14 साल में 14 राखियां जोड़ रखी हैं, इस उम्मीद पर कि एक दिन इसका भाई लौट आएगा और ये सारी राखियां अपने भाई को बांध देगी। लो, इसमें उदास होने की क्या बात है? क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं? भाई? हाँ हाँ, राखी के दिन आऊंगा और सारी की सारी राखियां बंधवाऊंगा, साथ ही साथ पर और साथ ही साथ पर। अच्छा जाओ, खुशियां मनाओ, अपने दोस्तों से मिला दो। जाओ। जाते हैं जाते हैं, पहले ये तो खा लो। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। ये मेरा दोस्त राजू है। मुझे फुटपाथियों से बात करने की आदत नहीं है। मांची, क्यों नाराज क्यों हो रही हो? ये तो हकीकत है, इसी से पूछ लो। क्यों भाई, तुम ही बताओ, तुम्हारा कोई एड्रेस है क्या? मतलब घर बार माँ बाप का कोई पता है? एड्रेस फुटपाथ, माँ बाप लापता है। त्योनी, ये मेरा दोस्त राजू है। अच्छा, अगर इसे यहाँ बुलाना था तो एक तो नया सूट तो सिला देती, ये तो किराए के कपड़े लगते हैं। त्योनी, मेरे दोस्त की इंसल्ट मत करो। इंसल्ट? इंसल्ट तो हमारी हुई है इसके यहाँ आने से। अफकोर्स, अगर इस फुटपाथ शॉप को यहाँ बुलाना था तो हमें इस पार्टी में क्यों बुलाया? शट अप। चलो राजू, समझ में नहीं आता ये लोग तुम्हारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। मैं बताता हूँ। ये दिल क्या चीज है, प्यार किसका नाम?
मुझको जिंदा छोड़ दिया, वरना गरीब का जीना हराम है। पैसे को सलाम है भाई, पैसे को सलाम है। ये दिल क्या चीज है, प्यार किसका नाम है। पैसे को सलाम है भाई, पैसे को सलाम है। दादाजी। हाँ बेटी, रोते नहीं बेटी। देखो राजू बेटे, तुम्हारे दोस्त आंसू बहा रही है। राजू बेटे, गलती किसी की और सजा किसी को, ये तो ठीक नहीं है। फिर कराओगे ना राजू? इंस्पेक्टर साहब, क्या किया है छोटू ने? मैं बताता हूं, इसने चोरी की है। चोरी? अरे ऐसे लड़के और कर ही क्या सकते हैं, साले हराम में पैदा होते हैं ना, इसलिए हराम की रोटी के अलावा इनका पेट भरता ही नहीं, और फिर इस उम्र में चोरी करे। अरे वो तो एक दिन बड़ा होकर चोर से डाकू, डाकू से खूनी बनेगा। बंद करो ये बकवास। छोटू, कह दे इनसे कि ये सब झूठ है, कह दे कि तूने चोरी नहीं की। अरे ये क्या कहेगा, ये तो रंगे हाथों पकड़ा गया है। मैं नहीं मानता साहब, मेरा छोटू ये नहीं कर सकता। मेरा छोटू तो पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, है ना? अब कह दे इनसे, कह दे कि ये सब झूठ है, तूने चोरी नहीं की। तू चुप क्यों है छोटू, तू बोलता क्यों नहीं? इसका मतलब तूने चोरी की है? चोरी किया तूने? बोल बोल, चोरी किया तूने? चोरी किया तूने? बोल बोल, छोड़ दो मुझे इंस्पेक्टर, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो, इसे तो मार नहीं सकते। तो फिर आप मारिए इसे, मार मार कर इसकी चमड़ी उधर दीजिए। जितने पैसे चुराए इसने, उतने गिन गिन के कोड़े मारिए इसे। इसने पैसे नहीं चुराए। क्या? हाँ दुकान से स्कूल की किताबें चुराई हैं। Thank you.
छोटू, तेरी जमानत के पैसों का इंतजाम मैं जरूर कर लूंगा। तू तो मेरा सपना है रे, सोने की लालच में आज तो चोर बन गया। ऐसी चोरी तो भगवान भी माफ कर देगा। इस बच्चे को अपनी स्कूल में भर्ती कर लीजिए फादर। ठीक है, ये फॉर्म भर दो। मैं तो अनपढ़ हूँ फादर, मेहरबानी करके आप ही भर दो ना। ओ अच्छा, बैठो। बच्चे का नाम? छोटू। बाप का नाम? विद्या सीखने के लिए बाप का नाम जरूरी है क्या? नहीं, मगर फॉर्म भरने के लिए जरूरी है। तो फिर लिखिए, इसके बाप का नाम है राजू। पता? कह रहा फुटपाथ। लेकिन बेटे, यहां पढ़ने के लिए तो पैसे लगेंगे। ये लीजिए। पता फुटपाथ? कहाँ से लाए हुए पैसे? आप विद्या देते हैं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने चोरी की। ओ, तो चोरी के पैसों से इसे इल्म सिखाने लाए हो? हाँ फादर, ताकि ये बड़ा होकर मुझ जैसा चोर ना बन सके। फादर, इसे इंसान बनने का मौका दीजिए ना फादर। तुम्हारे जज्बात ने मुझे कायल कर दिया, ये जरूर पढ़ेगा। थैंक यू फादर। छोटू, दिल लगा कर पढ़ना। अपने इस बड़े साहब के बड़े भाई को सलाम जल्दी दिलवाना। हाँ राजू भैया। बेटे, तुम्हारा नाम क्या है? राजू। बाप का नाम राजू? हाँ फादर, इसका बाप मैं ही तो हूँ। ये क्या मदर मेरी, तेरे लाखों जीसस फुटपाथ पर रहते हैं। आ गया हूं ना। चलो। सलाम साहब। आओ राजू बेटे, बैठो। ए पिछली बार कब ना आए थे? पिछले महीने तो ना आया था। क्या आज पहली तारीख है ना, तो कल ही तो ना आया था। झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। चलो मेरे साथ। कहाँ? बताती हूँ। अरे कहाँ ले जा रही हो मुझे? चलो ना, यहाँ खड़ी रहो चुपचाप।
है। बुद्धू कहीं के इतना भी नहीं जानते। अरे साबुन है, नहाओ, बाद में सुनकर देखना फूलों की खुशबू आएगी। सर मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हो? आता हूँ। दोस्त है। फिर तो ये हम सबकी है। लो बेटी। थैंक यू। कहीं तुझे नजर ना लग जाए। चलो ठीक है। टीना ये खान चाचा है। खान चाचा हाँ? ये टीना है मेरी दोस्त। कहाँ है? ये तो बिल्कुल गुड़िया है। खान चाचा हाँ? राजू कहता है कि आप उसके सब कुछ हो। अरे बेटी यही तो मेरा सब कुछ है। मेरी नंदी आंखों का नूर है। क्या खान चाचा? अरे तू बड़ा खुशकिस्मत है जो तुझे इस जैसी गुड़िया मिल गई। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों से हम अनजान हैं। छोटी छोटी हमारी खुशियां हैं, छोटे छोटे अरमान हैं। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों से हम अनजान हैं। छोटी छोटी हमारी खुशियां हैं, छोटे छोटे अरमान हैं। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों से हम अनजान हैं। छोटी छोटी हमारी खुशियां हैं, छोटे छोटे अरमान हैं।
इस रस्ते से वो आए जाए, उस रस्ते पे हम आंखें बिछाए। अपनी जान से भी मेहमान है, छोटी छोटी हमारी खुशियां हैं, छोटे छोटे अरमान हैं, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों से हम अनजान हैं, छोटी छोटी हमारी खुशियां हैं, छोटे छोटे अरमान हैं, छोटे छोटे अरमान हैं। दुख बराबर कम न ज्यादा, अपना तो जीवन है सीधा सादा, सुख दुख बराबर कम न ज्यादा, अपना तो जीवन है सीधा सादा। ओ सीधे सादे से भोले भाले से हम इंसान हैं, छोटी छोटी हमारी खुशियां हैं, छोटे छोटे अरमान हैं, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातों से हम अनजान हैं, छोटी छोटी हमारी खुशियां हैं, छोटे छोटे अरमान हैं, छोटे छोटे अरमान हैं। छोटी छोटी खुशियां, खुशियां ही खुशियां। ये बुलबुल कौन है? ये मेरी दोस्त है उस्ताद। दोस्त? बहुत खूबसूरत है,
तेरी छुट्टी खत्म हो गई बच्चे। जानता हूँ उस्ताद। वापस आ जाना। चलो टीना। ये कौन था? अपुन का बॉस है। अपुन स्केच गैराज में काम करता है। पर तेरे को क्या रे? चल ले पकड़ और अपनी विलायती पी। चलो टीना। हेलो डीएसपी साहब। डीएसपी साहब मैं इंस्पेक्टर खन्ना बोल रहा हूँ। जी मैं बस्ती में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे मुझ पर किसी ने शक भी नहीं किया। मैं मुझे लग रहा है कि काम जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है, सारी तहकीकात करके आना। ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू वेरी मच। अरे ओ कल्लू, माल तैयार है? बिल्कुल तैयार राजू, बस अभी देता हूँ। ये लो पैसे, बाद में मिलेंगे। चलेगा ना? अरे दौड़ेगा बच्चा दौड़ेगा, तेरा माल किधर जाता है? चलता हूँ। अरे रुक जा बेटे, इसमें डाल के ले जा, रास्ते में तकलीफ नहीं होगी। अपनी कमाई तो हो गई, पैसा जब भी आए आने दो। अच्छा बेटा, अपने बाप से होशियारी। हाँ सकारी बिंदार मेले लाज नहीं बटन मेले ने सकारी सकारी काम। इसमें भी करना ना ये भी उड़िया उठ दर्द पटने को आया, ये ले तेरी चाय। थैंक यू। ये इंग्लिश में गाली देता है? अरे बाबा मैंने गाली नहीं दी तो? मैंने कहा धन्यवाद धन्यवाद। काशी? हे काशी नको, काशी बाय। आई एम सॉरी। अरे फिर गाली? गलती हो गई बाबा, गलती हो गई। हाँ काशी भाई। हाँ ये जो अपना राजू है ना, ये कुछ अजीब लड़का नहीं? मादा भाव है, छोटा भाई, सबकी मदद करता, फरिश्ता है फरिश्ता। तू ठीक कहती है काशी भाई। लेकिन एक बात बता। क्या? इन सब की मदद करने के लिए हाँ? राजू पैसा कहाँ से लाता है? पैसे कहाँ से लाता? ए मेनिया, तुला क्या कराएगा? हाँ तेरे को क्या करना है? वो तो कोई पुलिस वाला लगता है। चल नहीं के तू, चल जा यहाँ से। काशी भाई हाँ? तू मुझे अपने घर से निकाल देगी तो क्या तेरे को कैलेंडर बना के दीवार पर चिपकाओ? चल फट यहाँ से। काशी भाई हाँ? इतनी गर्मी नहीं खाते? अच्छा तो तू अब मेरे को गर्मी भी बताने लगा हाँ? देख काशी। ए काशी नहीं, काशी भाई नहीं, सिर्फ काशी।
आपने आपको पहचान काशी, तुझे ये मर्दानापन शोभा नहीं देता। तू एक औरत है काशी, एक औरत है। मी औरत? हाँ काशी, अपनी कोमलता को पहचान, अपनी सुंदरता को पहचान, तू औरत है काशी, तू औरत है। छोड़ माझा हाथ, कौन है बे? तेरा दोस्त। अरे राजू तू आजा आजा। क्या बात है, इतनी देर तक सो रहा था? अरे यार अपुन को कौन सा काम धंधे पे जाना है, जरा लेटा तो आंख लग गई। देख इतनी देर तक जागना शहर के लिए अच्छा नहीं, और तेरी सेहत ठीक करने के लिए मैं डॉक्टर लाया हूँ। हैं डॉक्टर? क्यों बे? अभी बुलाता हूँ। सकाराम, ये है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आपके इस मरीज ने मेरा बटुआ चुराया, अब आप ही कुछ इलाज कीजिए। घर का तलाशी लेना मांगता है। अबे राजू ये क्या कर रहा तू? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, मगर तू मेरे ही साथ होशियारी कर रहा है। हवलदार, बटुआ मिला नहीं तो? अरे ये चोर लोग अपना चोरी का माल कहाँ रखते हैं? वो ड्रावर में देखो, यहाँ भी नहीं है। नहीं है तो वो पैंट में देखो। ओ, यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं, मैं तो लूट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं। नहीं पता है उसमें कितने पैसे थे? कितने थे? 1000 में से सिर्फ 999 कम। हाँ? इसकी जेब में देखो, शायद वही हो। साफ साफ चोरी का केस है। अपन कभी झूठ बोला ही नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब आपको गलत फहमी हुई है, ये झूठ बोल रहा है। मैं जरा आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। लो और सुनो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या जमाना आ गया है, रंगे हाथ तो पकड़ा गया और बोलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे झूठ बोलने वालों की तो मैयत में भी नहीं जाता हूँ मैं। पक्का चोर है साहब, आपको रिश्वत देने की ट्राई मार रहा है। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए, जो कुछ कहना है अदालत में कहना। लेकिन इंस्पेक्टर आप 28 नंबर इसे अंदर बंद कर दो। देखा आपने बाप से होशियारी करने का नतीजा। खैर तेरे को तो अपन ने अपना यार बुलाया ना, तेरे को अंदर तो कर दिया, तेरे बाहर आने का भी सामान लेकर आया हूँ। ये ले अपने पुलिस का बिल्ला। ए हवलदार साहब को छोड़ दो, आज रात को अड्डे पे आ जाना। काशी, काशी नक्को, काशी बाय, और आज से तेरे लिए ये अड्डा बंद। अरे तुझे क्या हो गया? क्या हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। हम तेरे को शरीफ आदमी समझता था, पर तू तो पुलिस वाला निकला। अरे मगर मैंने किया क्या है? क्या किया? तू तो चोरों को पकड़ता है ना, और खुद चोरी करता है, किसी का दिल चुरा कर दिल से खेलता है। तेरे दिल में किसी के लिए कोई रहम नहीं, तू निकल जा यहाँ से, कल देगी तू। देख काशी मैं पुलिस वाला जरूर हूँ, लेकिन तेरे लिए नहीं। अगर होता तो वर्दी पहन के नहीं आता। अरे जिस दिन वर्दी में आएगा तेरा गला घोंट दूंगा। बेशक मेरा गला घोंट देना, लेकिन मैं वर्दी में जरूर आऊंगा, और उस दिन आऊंगा जिस दिन जिंदगी भर के लिए तेरा हाथ थामने आऊंगा, उस दिन वर्दी पहन कर आऊंगा। हाँ काशी। काशी नको, काशी बाय। यहाँ क्या कर रहा है? अब तो तुझे स्कूल में भी भर्ती करा दिया। आज हमारा स्पोर्ट्स डे है। तो जाना, तू भी जाकर शामिल हो जा। कैसे जाऊँ? दौड़ में हिस्सा लेने के लिए ना मेरे पास जूते हैं ना मोजे। हंसू रहा है? हंसू नहीं तो क्या रो? अच्छा ये बता, दौड़ में फर्स्ट आएगा कि नहीं? कैसे फर्स्ट आऊँ? अगर फर्स्ट नहीं आया तो तेरे बाप की नाक कट जाएगी बेटे। तो फिर तुम ही जाकर दौड़ो। अरे गुस्सा क्यों करता है, इस वक्त गुस्सा करने की नहीं, फर्स्ट आने की जरूरत है।
राजू भैया तुम देख रहे हो कि मेरे पास जूते नहीं है और तुम मजाक किए जा रहे हो। ये देख, ये मजाक है। राजू भैया तू क्या समझता है, मैं भूल गया कि आज तेरा स्पोर्ट्स डे। चल जल्दी पहन ले और दौड़ में फर्स्ट जरूर आना। हाँ। फादर को प्रणाम कर। जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो। राजू वो दिन अब दूर नहीं जब छोटू पढ़ लिख कर अपने ही पैरों पर खड़ा होगा और उसके कदम तरक्की की ओर बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे। स्कूल में पढ़ेगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ छोटू को, ठीक तो है ना? उसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई गाड़ी उसे मारकर रुकी नहीं, वो बुरी तरह घायल है। अगर जल्दी से उसका ऑपरेशन न हुआ तो उसका जल्द से जल्द ऑपरेशन कीजिए बेटा, उसके लिए 2000 रुपयों की जरूरत होगी, नहीं तो 2000। उस्ताद 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 अबे वो बिल्ली की औलाद क्यों बेवक्त म्याऊं म्याऊं कर रहा है? उस्ताद गजब हो गया उस्ताद, छोटू का कार से एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के लिए 2000 रुपए की जरूरत है। दूंगा, जरूर दूंगा, यही तो असली मौका है देने का। थैंक यू उस्ताद, थैंक यू। क्यों उल्टी सीधी अंग्रेजी बोल रहा है? तू तो जानता है मैं थैंक यू वाला कोई काम करता ही नहीं, सिर्फ लेन देन का काम करता हूँ। काम दो, दाम लो। काम? मैं कसम खा के कहता हूँ छोटू, आज से कोई बुरा काम नहीं करूंगा। नहीं उस्ताद नहीं, मैंने वो सब काम छोड़ दिया है। छोड़ दिया तो फिर यहाँ क्यों आया? अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो छोटू की टांग कट जाएगी। अच्छा होगा, कमाई बढ़ जाएगी। ऐसा मत होने दो उस्ताद, ऐसा मत होने दो। इस वक्त मुझे 2000 उधार दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा उस्ताद, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एहसान? एहसान ना मैं करता हूँ ना लेता हूँ। अगर छोटू से तुम्हें इतना ही प्यार है तो काम करो, ले जाओ 2000, ले जाओ। अगर ऑपरेशन जल्दी ना हुआ करूंगा उस्ताद, करूंगा, लेकिन आखिरी बार क्या करना होगा? हाँ, आप आए ना रास्ते पर, एक बहुत बड़ा मकान है जिसमें एक छोटी सी सोने की बुलबुल रहती है जो तेरे सुर में सुर मिलाकर गाती है। सोने की बुलबुल? ये रही
टीना पहचान गया, जा इसे किसी भी तरह मेरे पास ले आ। हम इसे अपने पिंजरे में बंद कर देंगे, फिर उसकी रिहाई के लिए उसका करोड़पति दादा हमें 50 लाख रुपए देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन हमको 10 लाख चलेगा, 10 लाख चलेगा, तो तुम्हारे लिए बाकी मेरे लिए, उसके बाद हम दोनों इस काम से संन्यास ले लेंगे, समझ गया ना, समझ गया ना क्या करना है। हाँ, टीना को और उसके दादाजी को धोखा देना होगा। हाँ, उनका दिल तोड़ना होगा। हाँ, उस घर को बर्बाद कर देना होगा। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। ये देख भूल गया तू, चेहरा एक दिन तुझे इसी गाड़ी में लेकर मेरे पास आया था, तू भी किसी के दिल की धड़कन था, खुदा जाने उन पर क्या बीती होगी। नहीं बेटा, मैं मजबूर हूँ खान चाचा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं राजू, राजू राजू गया तू, तेरा एक दिन तुझे इसी गाड़ी में लेकर मेरे पास आया था। हाँ बेटे, 14 साल पहले इसका जोड़वा भाई हमसे बिछड़ गया। राजू तुम आ गए? हाँ। मैं जानती थी तुम राखी के दिन जरूर आओगे। हाँ। देखो मैं तुम्हारे लिए राखी लाई हूँ, चलो हाथ बढ़ाओ। दादाजी कहते हैं आज के दिन भाई अपने बहन की रक्षा करने की कसम खाता है। मैं रक्षा करूंगा। दादाजी ये भी कहते हैं कि आज के दिन भाई अपनी बहन को तोहफा देता है, क्या तुम मुझे तोहफा नहीं दोगे? हाँ। मेरी बहन, राजू भैया, राजू भैया, राजू भैया, अब तुम सो जाओ, मैं कल आऊंगा। जरूर आना कल। हाँ, दादाजी आज तक मैंने सैकड़ों चोरियां की हैं, मगर कभी अपने आप को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि आप मेरे कौन हैं, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता। अगर लोगों को पता चल गया कि राय बहादुर का पोता एक चोर है तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आज मैं आखिरी बार चोरी करने आया हूं,
वरना मेरा छोटू अपाहिज हो जाएगा। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। बिल्ली की औलाद बहुत जल्दी में है। मुझे छोड़ दो उस्ताद, वरना छोटू का ऑपरेशन। ऑपरेशन? ऑपरेशन के लिए 2000 ले आया, मगर मेरे 10 लाख की बुलबुल। टीना, नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। नहीं करेगा? नहीं। बिल्ली की औलाद। काशीवाय, किधर है रे तू? कौन है रे इतनी रात को? हाँ? राजू तू? हाँ, दारू दे काशीवाय, दारू, अपनी बाटली खलास। राजू, तूने दारू पी? हाँ काशीवाय, आज अपन सबको ठोकर मार के पी गया। और अब मेरे दिल पर ठोकर मारे तू यहाँ चला आया? हाँ? नहीं, दारू पीने आया। दारू दे काशीवाय। दारू चाहिए तेरे को? ये ले। कभी सपना देखा है काशीवाय? हाँ? सपना कभी नहीं देखना काशीवाय, कभी नहीं देखना। सपने टूट जाते हैं तो जानती है क्या होता है? उम्मीदों के सारे महल एक साथ टूट जाते हैं, बेरहम हकीकत जिंदा हो जाती है और इंसान इंसान मर जाता है काशीवाय। आज मैं भी मर गया और ये मेरी जिंदा लाश काशीवाय। एक ही तो सपना था अपना, आज वो भी टूट गया। मेरा छोटू अपाहिज हो गया और कोई कुछ ना कर सका। जमाने में कोई हमारा नहीं, किसी का भी हमको सहारा नहीं। जमाने में कोई हमारा नहीं, किसी का भी हमको सहारा नहीं।
गरीबों के घर में अंधेरे तो हैं। नसीबों के काले सवेरे तो हैं, गरीबों के घर में अंधेरे तो हैं। कोई चांद कोई सितारा नहीं, किसी का भी हमको सहारा नहीं। सभी के लिए दुनिया है ये, हमारे लिए गम का दरिया है ये। सभी के लिए दुनिया है ये, हमारे लिए गम का दरिया है ये। भंवर ही भंवर है ये किनारा नहीं, किसी का भी हमको सहारा नहीं। किसी ने ना आवाज दी, रहे चुप खुदा भगवान भी। कहीं से किसी ने ना आवाज दी, रहे चुप खुदा भगवान भी, भगवान भी। किसे हमने जाकर पुकारा नहीं, किसी का भी हमको सहारा नहीं, सहारा नहीं, सहारा नहीं। ये ले, आज तेरी कमाई नहीं हुई ना छोटू। कल्लू लोहार तुम हो? हाँ साहब, नाम का कल्लू और काम का लोहार। क्या क्या पिघलाते हो? लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी। क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो साथ? हमने सोना चांदी तो देखा तक नहीं। नहीं देखा, मैं दिखाता हूँ। Thank you.
ये तांबा तो नहीं है, लोहा भी नहीं है, पीतल भी नहीं है, चांदी है। लगता है तुझे विरासत में मिली है, और तेरे बाप का नाम राय बहादुर है। क्यों? बाप बाप का नाम मत लेना साहब। तो तेरे बेटे का नाम राजू है क्या? अरे Get up! माल कौन लाया था? बोल, बोल, बताता हूँ, राजू नहीं आया। राजू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, आइए, बैठिए। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? ये शायद आपका है। क्या, ये कब मेरा ही है? कहाँ मिला? एक लोहार के यहाँ से, लेकिन चोरी उसने नहीं की। फिर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि चोर और कोई नहीं, अपना राजू है। ये तूने अचानक गाना क्यों बंद कर दिया? हा? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? छोटो, राजू कहाँ है? खान चाचा, जरा छोटू को संभालिए। क्यों, तू कहाँ जा रहा है? खान चाचा। हा? क्या? खान चाचा, मैं अभी आया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे राजू भैया को मत लेके जाइए, राजू भैया की जगह मुझे लेके जाइए, ये मैंने चुराया है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलो। राजू भैया, खान चाचा, खान चाचा, खान चाचा, खान चाचा, राजू भैया चला गया, उसे पुलिस ले गई। रो मत मेरे बच्चे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह ने उसे उस शैतान के पंजे से बचाकर महफूज जगह भेज दी है। मेरे बच्चे रो मत। सर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से कहां ले जा रहे हो? कानून के हवाले करने। किस लिए? आप ही ने तो चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी, और आपको तो पता है कि राजू के खिलाफ सब सबूत मिल चुके हैं। इंस्पेक्टर, मेरे यहाँ कोई चोरी नहीं हुई, राजू से मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन राय बहादुर साहब, मैंने कहा ना मेरे यहाँ चोरी नहीं हुई। इधर आओ राजू। राजू, हम तुम्हें अपने जैसा मानने लगे थे,
लेकिन शायद बड़े से बड़ा प्यार बड़ी से बड़ी इज्जत हालात को बदल नहीं सकते। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम एक चोर हो। हमने अपने घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रखे थे, आज मैं वही दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर रहा हूं। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। खान चाचा, तुमने कहा था दुख के बाद सुख मिलता है। हाँ। तुमने कहा था ना कि इस दुनिया में अपनी जगह मुझे खुद बनानी है। हाँ। तुमने कहा था ना कि मैं हीरा बनूंगा। हाँ, तू बनेगा। खान चाचा, तुम मुझसे प्यार करते हो? अरे पगले, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं खान चाचा, नहीं, मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं। तुम भी मुझसे प्यार मत करो। मैं हीरा नहीं, कोयला हूं, जो इस दुनिया में सिर्फ कालक फैलाने के लिए पैदा हुआ है। इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकता। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। राजू, ये आज तुझे क्या हो गया बेटे? क्या हो गया है तुझे? खान चाचा, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। मुझे मार डालो खान चाचा, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो खान चाचा, मुझे मार डालो खान चाचा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। परवरदिगार, क्या तेरा इंसाफ यही है? नहीं खान चाचा। हाँ। मुझे एक भीख दोगे? मांग कर तो देख, मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। तो फिर वादा करो, मेरी मैयत में आंसू बहाने के लिए तुम भी नहीं आओगे। राजू, राजू, परवरदिगार इस फरिश्ते का और कितना इम्तिहान लेगा। गलत जगह पंजा मारता है। हटाओ। उस्ताद, इन्हें छोड़ दो उस्ताद। इन्हें छोड़ दो उस्ताद, इन्हें छुड़वाना हो तो मैं जो कुछ कहूंगा करना होगा, करेगा। क्या करना होगा? खास कुछ नहीं, पुलिस को लेकर राय बहादुर के यहाँ जाना होगा। मगर क्यों? इसलिए कि छोटू का एक्सीडेंट राय बहादुर की गाड़ी से हुआ, जिसमें उस बेचारे की एक टांग कट गई। अब बेचारे की टांग की कीमत तो मिलनी ही चाहिए। एक्सीडेंट और राय बहादुर की गाड़ी से? ये झूठ है। झूठ को सच बनाना ही तो मैंने तुझे सिखाया है मेरे लाल। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। अबे वो बिल्ली की औलाद, तेरे इस बुढ़े चाचा की आंखों की रोशनी तो मैंने छीन ली, अब इसकी जिंदगी का चिराग भी बुझा दूंगा। नहीं नहीं राजू, नहीं नहीं, मुझे मर जाने दो, लेकिन ये गुनाह कभी ना करना, तुम्हें मेरी कसम। अबे बुढ़े, अगर सिर्फ तू होता तो राजू शायद तेरी बात मान जाता, मगर तेरे खिसकने में तो सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। मगर छोटू, तेरी एक नाक से उसकी एक टांग कट गई, अब दूसरी नाक से दूसरी टांग। नहीं उस्ताद, नहीं। अच्छा है, फिर से बोल। नहीं राजू भैया, नहीं, मेरी दूसरी टांग भी कट जाने दो, पर तुम ये काम नहीं करना। नहीं नहीं चिड़ी पहलवान, राजू ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों, ठीक है ना? कहिए इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? सर, जो चोरी की कंप्लेन आपने वापस ली है उसके कागजात पर आपके दस्तखत चाहिए। लाइए। इंस्पेक्टर साहब,
काशी कौन हो तुम? मैं राजू की बहन हूँ साहब। यहाँ किस लिए आयो? इंस्पेक्टर साहब, मैं पुलिस स्टेशन गई थी, पता चला तुम यहाँ हो। आज मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। क्या? आज मेरा भाई मुसीबत में है, इसकी मदद करो इंस्पेक्टर साहब, इसकी मदद करो। एक चोर मुसीबत में नहीं होगा तो और क्या होगा? ऐसा न कुकुर साहब, तुमने सिर्फ ये जाना कि राजू चोर है, मगर ये न जाना कि राजू चोर क्यों है। तुमने सिर्फ इस चांदी के चोर को देखा है, मगर उस चोर को नहीं देखा जो मासूम बच्चों से उनका बचपन चुराता है, उन्हें अपाहिज बनाता है, उनसे चोरी करवाता है, भीख मंगवाता है, जेब कटवाता है। उन्हीं मासूम बच्चों में से राजू एक है। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो आदमी? लोग उसे उस्ताद कहकर पुकारते हैं। उस्ताद? ऐसे लड़के उस्ताद होते हैं। 14 साल पहले एक ऐसा ही लड़का मेरे राजेश को उठा ले गया था। इसके बावजूद मैंने इस पर भरोसा किया, इसे प्यार दिया, इसे मोहब्बत दी, फिर भी इसने ले जाओ यहां से। ठीक है साहब, लेकिन मेरे जाने से पहले ये जान लो कि राजू कौन है। काशी भाई, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं। अपना खून पहचान लो साहब। नहीं काशी भाई, तुझे मेरी कसम, आज कसम वसम कुछ नहीं मानूंगी। राय बहादुर साहब, यही तुम्हारा खोया हुआ पोता राजेश है। क्या बात, खूब चोरी करके तुम लोगों का दिल नहीं भरा, इसलिए इसे मेरा पोता कहकर मेरी जायदाद पर हक जमाना चाहते हो? नहीं, इतनी बड़ी गाली मत दो साहब, इतनी बड़ी गाली मत दो। विलायती बाबू, तुम क्यों चुप हो? तुम कुछ बोलो, तुम जानते हो मैं क्या हूँ, बोलो ना। तेरी असलियत तो अब सामने आई है। मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली? पैसे की खातिर किसी के जज्बात को धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? नहीं बाबू, ऐसा नको बोलो। क्या तू इतनी गिर गई है? पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपना ईमान बेच सकती है, अपनी इज्जत बेच सकती है। जबान संभाल बाबू। तू चुप रह राजू, ईमान और इज्जत, ईमान और इज्जत ही तो हमारी दौलत है बाबू। मुझ गरीब को इतना गरीब मत समझ कि चांदी के सिक्कों के लिए अपनी इज्जत बेच दूंगी। राय बहादुर साहब, मेरा विश्वास करो, ये आप ही का पोता है, इसे अपना लो। अपना लो? न जाने किस जलील माँ बाप का बेटा है। ऐसा नको बोलो। न जाने किसका गंदा खून दौड़ रहा है इसके रगों में। ऐसा नको को रहा। न जाने किस गंदी नाली का कीड़ा है ये। ले जाओ यहाँ, ले जाओ यहाँ, ले जाओ, मैं कह रहा हूँ ले जाओ। अरे ये तो वही गाड़ी जिसमें राजेश, यहाँ कैसे आई? तुम लोगों को कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? तुमने ठीक कहा राय बहादुर साहब, जलील माँ बाप का बेटा है ये, गंदा खून दौड़ रहा है इसके रगों में, गंदी नाली का कीड़ा है ये। लेकिन राय बहादुर साहब, एक बात जान लो, यही शेरा 14 साल पहले राजू को इसी गाड़ी में खान चाचा के पास ले आया था। हाँ, तुम विश्वास करो ना करो साहब, यही तुम्हारा पोता है। अगर दौड़ते हुए खून को नहीं पहचान सके तो जमे हुए खून को पहचान लो। देखो देखो, साहब, ये तुम्हारा खून है जो 14 साल से उस्ताद के कोड़े खा खा कर जम गया है। इतने सालों के बाद मैं तुझे कैसे पहचानता? मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। राय बहादुर साहब, दादाजी, इंस्पेक्टर साहब, खान चाचा और छोटू को बचा लीजिए, चलो। गाड़ी रोको इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी रोको।
बुलबुल आओ मेरे पास, घबराओ नहीं, आओ आओ मेरे पास, घबराओ नहीं, आओ। ऐसा ना करो, इसे छोड़ दो। छोड़ दूं? 10 लाख की है, 10 लाख की। देखा उस्ताद की उस्तादी। 10 लाख का माल मेरे हवाले और राजू पुलिस के हवाले। अब राजू को कोई नहीं बचा सकता। वही होगा जो आज से परसों पहले होना चाहिए था। मैं आज तक बुजदिल बना रहा, भूल गया था जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। या परवरदिगार, तुझे मेरी नमाजों का वास्ता, या रसूल तुझे तेरे कुरान का वास्ता, या खुदा तुझे इन मासूम बच्चों का वास्ता। या अली मदद! आज तू भी अंधा और मैं भी अंधा। और इसी अंधेरे का काला कफन आज तुझे उड़ा दूंगा। Thank you.
محمد رسول الله Your Honor,
जब जिंदगी फुटपाथ पर जन्म लेती है तो उसे माँ के दूध की बजाय ऐसे जख्म पाल पोस कर बड़ा करते हैं। क्या हमारे देश के कानून में कोई ऐसी दफा है जिसके मुताबिक इस बच्चे को एक बार फिर इसका बचपन वापस लौटाया जा सकता है?